हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ग्रुप टू एलिमेंट्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स. सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज द एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस. ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस और रेडियाई. सो द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप टू फैमिली, दे आर स्मॉलर देन दैट ऑफ द अल्कली मेटल्स. ठीक है, जो अल्कली मेटल्स है अगर इनका कंपेरिजन करते हैं तो एज वी नो के अलॉन्ग द पीरियड जो एटॉमिक साइज है, आयनिक साइज है, वो डिक्रीज करता है. तो लिथियम के बाद, फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप में बेरिलियम की जो फैमिली आती है, तो उनका जो साइज है कंपैरेटिवली अल्कली मेटल से वो छोटा होता है. ठीक है, सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे हैव द हाई न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द न्यूक्लियस. दैट्स वाई दे हैव द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियस दे आर स्मॉलर देन दैट ऑफ द अल्कली मेटल्स. ठीक है, और अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो एज वी नो देर इज ए इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स. ठीक है, डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा वहां पे, साइज जो होगा वो इंक्रीज करेगा. ओके, सो दिस इज द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियस. नेक्स्ट वी हैव द डेंसिटीज. सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो डेंसिटी है दैट इज लो, बट अगर हम कंपेयर करते हैं अल्कली मेटल्स के साथ, सो इट इज कंपेरेटिवली मोर देन दैट ऑफ द अल्कली मेटल्स. ठीक है, सो वी कैन से दैट द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे हैव द लो डेंसिटीज, बट दे आर रिलेटिवली मोर डेंसर देन दैट ऑफ द अल्कली मेटल्स. ओके, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वही बात आ जाती है, साइज जो है वो कम है. सो साइज मीन्स रेडियाई कम हो गया, रेडियाई कम होगा तो मीन्स उनका वॉल्यूम कम हो गगया, बट जो मास है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, लिथियम से बेरिलियम पे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर 3 से एटॉमिक नंबर हम 4 पे जा रहे हैं. ठीक है, तो मास जो है वो 3 से जो 6 से वो आगे 7 पे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो मास वहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो मास तो बढ़ रहा है बट वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी वहां पे, इंक्रीज होगी. ठीक है, वैसे डेंसिटी की वैल्यू बहुत कम है, बट कंपेरेटिवली अगर हम बात करते हैं अल्कली मेटल के साथ कंपेयर करें, तो इनकी जो डेंसिटी है दैट इज हायर देन दैट ऑफ द अल्कलाइन अल्कली मेटल्स. ओके, सो नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है दे हैव द लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, विच आर higher than that of the corresponding alkali metal in the same period, and that is because of their smaller size. Okay, but they have do not have the regular trend of their melting and boiling points. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंक्रीज होता रहेगा, समटाइम्स इट इंक्रीजेस बट देयर वैल्यू इज दैट मच नॉट लार्ज एज कम्पेयर टू द अल्कली मेटल्स. ठीक है, सो द melting and the boiling point of the alkaline earth metals, they are low, but relatively they are having the high melting and boiling point than that of the corresponding alkali metals. Okay, so the atoms of alkaline earth metals, they have the smaller size as compared to the alkali metals, therefore they have the more closely packed in their crystal lattices, so hence they have the high melting and boiling point. Okay, so fourth property jo hum discuss karne wale, that is the ionized energy. That is a very important property. Okay, so as we know, the alkaline earth metals, they have the smaller size as compared to the alkali metals, so they have the high value of their ionization energy. ठीक है, comparative to group 1 elements. ठीक है, तो size का हमेशा यहाँ पे reason रहता है हर जगह पे. ठीक है, size की वजह से उनका जो है density भी उनकी higher है. ठीक है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, वो हायर है. ओके, उनकी आयनाइज एनर्जी भी क्या है, वो जो है हाई है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. बट यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली है कि अगर हम कंपेयर करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम,
ठीक है, हम कोई जनरली दो एलिमेंट लेते हैं, एक हमारा सेकंड ग्रुप, एक हमारा जो है जो ग्रुप वन से आ रहा है, दूसरा जो है ग्रुप टू से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इट विल फॉर्म द सोडियम पॉजिटिव, बट मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम वन पॉजिटिव बनाता है, फिर मैग्नीशियम टू पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। तो अगर हम सोडियम टू पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, सो वी रिक्वायर द टू आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी वन एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी टू। और अल्कली मेटल्स के केस में हमने स्टडी किया था कि जो इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लेस, बट देयर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। बट मैग्नीशियम के केस में मीन्स अगर हम ग्रुप टू एलिमेंट्स की बात करते हैं, द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द अल्कली मेटल्स, ठीक है। इस केस में बहुत ज्यादा होती है, इट केस में इंक्रीज तो करती है बट इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं करती है। इफ वी कंपेयर द वैल्यूज, तो इस केस में सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनाने के लिए हमें चाहिए होती है 496 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। बट एक बार जब सोडियम वन पॉजिटिव बन जाता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 4564 किलो जाउल, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम वन पॉजिटिव बनाने के लिए हमें 738 किलो जाउल एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब मैग्नीशियम वन से मैग्नीशियम टू बनाना है, तो हमें इतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है जितनी हमें सोडियम वन से सोडियम टू बनाना होता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज वेरी हाई। वाई सो? बिकॉज इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स द सेकेंड इलेक्ट्रॉन विच इज टू बी रिमूव्ड, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कैटायन विच इज ऑलरेडी हैविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अगर हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम में हमारे पास जो है दैट इज हैविंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बट जब मैग्नीशियम की बात आती है, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात आती है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए मोनोवेलेंट केटायन विच इज हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ओके। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 3s1 से निकालना है, ना कि 2p6 से निकालना है, ओके। इन केस ऑफ सोडियम वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2p6 विच इज कंप्लीटली फिल्ड। सो कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा मोड ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस केस में हमें एनर्जी जो है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो है कम है एज कम्पेयर टू दी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम, ठीक है। तो वी कैन से द आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स, और यू कैन से द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम ग्रुप टू एलिमेंट्स, दैट इज लेस देन दैट ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ग्रुप वन एलिमेंट्स, ओके। तो इसका रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट वुड बी हैविंग द वेरी हाई वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक बार जब Mg2 पॉजिटिव बन गया हमारे पास, तो अब इसने भी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है, ठीक है। तो इसके पास भी हमारे पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास 2p6 कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और भी ज्यादा एनर्जी वहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर एंड द मेटेलिक करेक्टर। सो बिकॉज ऑफ द लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत लो है, तो ईजिली ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, और और कैटायन जो है बहुत ईजिली बना लेते हैं। तो एक बार जब कैटायन बन गए, मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दे शो द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, ठीक है। बट these are not as strongly electropositive as that of the alkali metals of the group 1. क्यों? क्योंकि अगर हम ionization energy को compare करते हैं, तो ionization energy जो है वो जो है in case of alkaline earth metals that is high because of the small size, ठीक है। तो ionization energy of alkaline earth metal is higher than that of the ionization energy of the alkali metals, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, ठीक है, वो डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। तो अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल में जाएंगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या है, वो डिक्रीज करता है, ओके। इफ वी मूव डाउन द ग्रुप, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन, फ्लेम
कलरेशन. एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट्स दे इम्पार्ट द करेक्टरिस्टिक कलर, बट बेरिलियम और मैग्नीशियम कुछ भी करेक्टरिस्टिक कलर नहीं देते हैं. ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द अदर मेटल्स, सो कैल्शियम प्रोड्यूस अ ब्रिक रेड कलर इन द फ्लेम. ओके, सिमिलरली द स्ट्रॉन्शियम इट प्रोड्यूसेस क्रिम्सन रेड कलर, वेयर एज द बेरियम सॉल्ट दे प्रोड्यूस द ग्रासी ग्रीन कलर, एंड द रेडियम दैट प्रोड्यूसेस द ब्लू कलर. ओके, बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे डू नॉट शो एनी करेक्टरिस्टिक कलर. अब क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव एनी करेक्टरिस्टिक कलर इन साइड द फ्लेम. सो द रीजन इज के जब भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या उनके साल्ट्स को फ्लेम में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो जो फ्लेम की जो एनर्जी है दैट इज इनफ टू ब्रिंग अबाउट द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हायर एक्साइटेड स्टेट. ओके, बट मैग्नीशियम और बेरिलियम क्योंकि साइज छोटा है तो उस वजह से जो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज स्ट्रांग इनफ, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली बाउंड करता है कि फ्लेम की जो एनर्जी है दैट इज नॉट इनफ टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्साइटेड इन केस ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. ओके, सो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए ही नहीं है, तो जब वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं. बट बेरिलियम और मैग्नीशियम केस में जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचे ही नहीं तो वो रेडिएशन कोई एमिट नहीं करते. ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर. ओके, सो नेक्स्ट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म द बाइवेलेंट आयंस. टेंडेंसी टू फॉर्म बाइवेलेंट आयंस. ठीक है, हमने देखा है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे प्रोड्यूस द बाइवेलेंट कैटायंस आफ्टर लूजिंग द टू इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी. और हमने देखा है कि जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो जब मोनोवेलेंट कैटायंस बनाते हैं तो हमें जो वहां पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए दैट इज लेस एज कंपेयर टू द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज मोर देन दैट ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. सो इन दैट केस इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डाइवेलेंट कैटायंस डू नॉट फॉर्म. ओके, यहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बनने नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हायर है, सो ये नहीं बनना चाहिए. बट अगर सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी इज द ओनली फैक्टर, सो वहां पे यही होना चाहिए, ठीक है, मोनोवेलेंट कैटायन बनना चाहिए. बट इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो डाइवेलेंट कैटायन बनाना ही प्रेफर करते हैं. तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज नंबर वन फैक्टर जो है कि जो डाइवेलेंट कैटायंस बनते हैं, मीन्स जब एम टू पॉजिटिव बनता है दैट एक्वायर्स अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन. ठीक है, हर एलिमेंट की एक टेंडेंसी रहती है कि वो एक नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करे आफ्टर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. ओके, सो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स और दे एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन. ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में टेंडेंसी रहती है कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनाते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये फटाफट जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं. सेकेंडली एक रीजन ये भी है कि सॉल्यूशन फॉर्म में जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का दैट इज स्टेबल एंड इट इज एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड. ठीक है, ये क्या करता है, वहां पे बड़ी इजिली जो हाइड्रेट हो जाता है, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन लूज करके जब वहां पे एम टू पॉजिटिव बनता है और वो इजिली बहुत जल्दी क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है. और जब हाइड्रेट होते हैं तो वहां पे एक हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, जो हाइड्रेशन एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, ठीक है, उसके बाद तो जो ये एम टू पॉजिटिव है
दैट बिकम्स मोर स्टेबल, ठीक है, देन दैट ऑफ द एम पॉजिटिव. ओके, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एम टू पॉजिटिव आयन्स इज डिसॉल्व इन वाटर इज मच मोर देन दैट ऑफ द एम पॉजिटिव आयन्स. सो दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज रिलीज इन द हाइड्रेशन ऑफ प्लस टू आयन्स इज मोर देन विच इज कंपनसेटेड द सेकेंड आयोनेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सच आयन्स. ठीक है, मीन्स जो हाइड्रेशन पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो आयोनेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे इजिली रिलीज हो जाते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है बहुत इजिली रिलीज हो जाता है. ठीक है, थर्ड फैक्टर इज दैट के सॉलिड स्टेट की अगर बात करते हैं तो डाइवेलेंट कैटायन जो है दे फॉर्म दी स्ट्रॉन्गर लैटिस देन दी मोनोवेलेंट कैटायन्स. ओके, एम टू पॉजिटिव जो कैटायन्स हैं दे फॉर्म दी स्ट्रॉन्गर लैटिस इन दी सॉलिड स्टेट देन दैट ऑफ दी देन दैट ऑफ मोनोवेलेंट कैटायन्स. ओके, सो देयरफॉर लॉट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, और यही लैटिस एनर्जी जो है वो M2 पॉजिटिव आयन्स में जो रिलीज होती है ज्यादा, ठीक है, इट ऑल्सो कंपनसेट दी हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन्स द M2 पॉजिटिव स्टेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द M पॉजिटिव. मीन्स द डाइवेलेंट कैटायन्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द मोनोवेलेंट कैटायन्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. So in the next lecture, I will discuss the chemical properties of the alkaline earth metals. So thank you. Have a nice day.